छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये कुछ कोट्स हैं, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है? ये आपने जरूर अपने जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, आई वॉज द ड्रीमर, दे द ड्रीमर, आई रोम डिलाइटेड विद द मॉटलेस स्पेक्टेकल, गाउंस ग्रेव और गॉडी, डॉक्टर स्टूडेंट स्ट्रीट्स कोर्ट्स क्लॉस्टर फ्लॉक्स ऑफ चर्चेस गेटवेज टॉवर्स माइग्रेशन स्ट्रेंज फॉर अ स्ट्रिपलिंग ऑफ द हिल्स आर नॉर्दर्न विलेज। वो कहता है आई वॉज अ ड्रीमर, मैं एक ड्रीमर था, दे द ड्रीम, उन्होंने ड्रीम किया, आई रोम डिलाइटेड विद द मॉटली स्पेक्टिकल, और मैं जो हूँ रोम किया यानी कि मैं घूमता रहा डिलाइटेड विद मॉटली स्पेक्टिकल, एक मॉटली स्पेक्टिकल के साथ, एक आम से स्पेक्टिकल यानी कि एक आम जावे के साथ, एक अपने पर्सपेक्टिव के साथ, जिसमें उसने क्या देखा, गाउंस ग्रेव और गॉडी, डॉक्टर्स स्टूडेंट स्ट्रीट्स देखी, कोर्ट्स देखी, क्लस्टर्स देखे, फ्लॉक्स ऑफ चर्चेस देखे, गेटवेज देखे, उसने टावर्स देखे, और उसने क्या कहा कि माइग्रेशन स्ट्रेंज फॉर आर स्ट्रिपलिंग ऑफ आर हिल्स, और ये माइग्रेशन स्ट्रेंज थी फॉर आर स्ट्रिपलिंग ऑफ द हिल्स यानी कि आर नॉर्दर्न विलेजर, ठीक है? एक वो अपने आप को एक नॉर्दर्न विलेजर कहता है, और वो कहता है क्योंकि ये दोनों बहन भाई जो है वो एक लेक के किनारे शिफ्ट हो गए थे, एक डिस्ट्रिक्ट लेक में शिफ्ट हो गए थे, तो उसने कहा कि ये माइग्रेशन स्ट्रेंज है फॉर अ स्ट्रिपलिंग ऑफ द हिल, एक स्ट्रिपलिंग ऑफ द हिल के लिए जो कि एक नॉर्दर्न विलेजर है, अपने आप को उसने एक नॉर्दर्न विलेजर कहा था। वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में क्या क्या कहा था, ये भी कुछ कोट्स हैं, ये भी आपने ऐड करनी है अपने क्वेश्चन में। नेचर इज द नर्स ऑफ इमेजिनेशन, उसने नेचर को कहा था कि नेचर जो है वो नर्स है इमेजिनेशन की। थ्री फोल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर में उसने क्या कहा था, एक्सटर्नल नेचर यानी कि जो सीनरी जो हम देखते हैं, नंबर टू जो है ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज द नेचर, और नंबर थ्री द प्रेजेंस द डिवाइन लाइफ दैट इन्फॉर्म्स द होल एंड एवरी पार्ट अ क्वेसी डिवाइन मिस एंटरिंग प्रेजेंस, वो भी नेचर है। वो कहता है एक प्रेजेंस जो कि डिवाइन लाइफ है और जो इन्फॉर्म करती है होल एंड एवरी पार्ट, वो भी एक क्वेसी डिवाइन मिनिस्ट्रिंग प्रेजेंस है जिसको वो नेचर कहता था। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में उसने क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्वैलिटी, ये पूरी इसकी पोइट्री की डेफिनेशन थी जो इसने यहाँ पे दी थी। उसके बाद देखते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को हम थोड़ा सा आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं क्योंकि लिरिकल बैलेट्स में इन दोनों का हाथ था। इन 1798 टू यंग इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज पब्लिश्ड अ बुक ऑफ पोएम्स कॉल्ड लिरिकल बैलेट्स, इन दोनों ने एक बुक पब्लिश की थी जिसको हम लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। इन 1800 एन एक्सपेंडेड एडिशन वॉज पब्लिश विद अ प्रीफेस, 1800 में एक एक्सपेंडेड एडिशन जो है पब्लिश हुआ जिसके साथ एक प्रीफेस भी था, पहले तो खाली लिरिकल बैलेट्स था ना, उसके बाद एक प्रीफेस भी उसके साथ पब्लिश हुआ था, अ काइंड ऑफ पोएटिक मैनिफेस्टो, जो कि एक काइंड ऑफ पोएटिक मैनिफेस्टो था बाय वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। दिस इज जनरली रिगार्डेड एज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड, और इसको जनरली रिगार्ड किया जाता है कि ये ऑफिशियल बिगिनिंग थी ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। अच्छा, अब इसके अंदर इसने क्या बताया था, इसके जो मेन आइडियाज हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वो क्या क्या थे। पोएम्स आर डिफरेंट, पोएम्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, मैनर इन विच वी एसोसिएट आइडियाज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, और वो क्यों डिफरेंट होती हैं उसके अंदर, क्योंकि डिफरेंट मैनर होते हैं जिसमें हम एसोसिएट करते हैं आइडियाज को इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में। और फिर जो है लो एंड रस्टिक लाइफ को उसने शो किया था, पोएम्स हैव अ पर्पस, हर पोएम का एक पर्पस होता है, फीलिंग्स मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन, उसने यहाँ पे फीलिंग्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट कहा रादर देन एक्शन। पोइट्री को उसने कहा द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, कि पोइट्री जो है वो इमेज ऑफ मैन ऑफ नेचर दोनों होती है, और पोइट्री गिव प्लेजर, पोइट्री प्लेजर देती है, और पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल होती है। सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री वो उसका क्या था, उसने कहा था कि पोइट्री वॉज टू डील विद द बेस्ट सब्जेक्ट्स टू राइट अबाउट, कि पोइट्री जो है वो उन बेस्ट सब्जेक्ट्स से साथ डील करती है जो अभी तक लिखे जा चुके हैं। लैंग्वेज देख लेते हैं, पोइम्स वर टू बी रिटन एज, पोइम्स वर टू बी रिटन एज फार एज पॉसिबल एंड एज नियर एज पॉसिबल
टू दो प्योरिफाई. वो कहता है कि पोएम्स जो हैं उनको लिखा जा सकता है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल भी लिखा जा सकता है और एज नियर एज पॉसिबल भी लिखा जा सकता है टू दो प्योरिफाई. रोल ऑफ इमेजिनेशन, वो कहता है पोइट्री में रोल ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Imagination was to play a very important role, which Wordsworth identified with its capacity. जो कि Wordsworth identify करता है उसकी capacity के साथ poetry as memory. और poetry को उसने memory कहा. The poet describes natural and simple objects and peaceful landscape. और memory में क्या होता है? Poet ने describe किया natural और simple objects को और peaceful landscape को. Task of the poet क्या है? Task of the poet equal to other men in equality, के poet भी उसी तरह है जैसे बाकी men हैं. The poet stands apart from them, poet, लेकिन poets जो हैं तमाम लोग जो हैं equal हैं और लेकिन poet जो हैं वो उनको दूर से stands apart from them, poet जो है वो उनको दूर से देख के observe करता है because he is in fact because he is in fact. अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कि equal to other men in quality, ठीक है, equal होता है poet other men in quality, लेकिन वो दूर होता है उन इंसानों से क्योंकि वो in fact जो है वो possessed होता है. The nature of poetry, poetry is all encompassing, ठीक है, poetry जो है वो encompassing है. It blinds together human society and it spans our all knowledge and all the time period. ठीक है, poetry जो है all encompassing है और ये bind करती है human society को together and it spans all knowledge. और ये span करती है तमाम knowledge को and all the time period. Poetry is not just literature written in the words. ये poetry सिर्फ literature नहीं है जिसको words में लिखा जाए. Poems main subject क्या है? The nature of imagination. And the imagination relationship to nature. Nature का relation, the nature of the imagination, imagination की वो nature और एक imagination का relation to nature वो show करता है. The poem is about the mind's dialogue with nature. और poem जो है वो क्या है? Mind dialogue with nature है, about the mind dialogue. यानी कि इंसान के दिमाग के अंदर जो कहानी चल रही होती है उसका उसकी जो वो जिसे कहना चाहिए ना सोलिलोक्वी, खुद से बातें करना या मोनोलॉग, माइंड डायलॉग है ये. फिर है व्हाट इज अ पोएट. एक पोएट होता कौन है? अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, नोज अ लॉट ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर. वो बहुत कुछ जानता है और ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर उसके पास होता है. इज टर्नड इनटू इमोशंस, और ये जो नॉलेज होता है वो फिर टर्न होता है किसमें? इमोशन में. हिज ओन एंड अदर्स, अपने भी और दूसरों के भी, ठीक है, ग्रेटर नॉलेज जो है वो इमोशंस में टर्न होता है. अ लाइवली सेंसिबिलिटी, और ये एक लाइवली सेंसिबिलिटी है. हैज अ गुड मेमोरी, एक पोएट की गुड मेमोरी होती है. एंड कैन इमेजिन डिस्टेंट थिंग एज दे आर प्रेजेंट, और वो बहुत दूर की चीजों को भी इमेजिन कर सकता है इफ दे आर प्रेजेंट, चाहे वो वहां पे प्रेजेंट भी हो या ना हो. एंड हैज ग्रेटर प्रॉम्प्टनेस टू थिंक, उसकी एक ग्रेटर प्रॉम्प्टनेस होती है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक सोच सकता है. एंड फील विदाउट इमीडिएट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट, और वो फील भी कर सकता है विदाउट एनी इमीडिएट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट, यानी कि बाहर के माहौल में अगर कोई चीज मौजूद नहीं होती लेकिन उसको फिर भी वो फील कर जाता है. डेफोडिल्स में कहा था आई वॉन्टेड लॉर्नली एज क्लाउड दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वैल्यूज व्हील्स एंड हिल्स. वो कहता मैं जो हूँ वॉन्डर करता हूँ, घूमता हूँ लॉर्नली एज अ क्लाउड, एक क्लाउड की तरह जो कि हाई ओवर द वैल्यूज वेल्स और वेल्स वैलीज को कहते हैं. वो कहते हैं जो कि वैलीज और हिल्स के ऊपर जो है फ्लोट करता है, मैं उस बादल की तरह हूँ. व्हेन ऑल वंस आई सॉ क्राउड, जब मैं इतना बड़ा क्राउड देखता हूँ किसका? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, ये होस्ट है जनाब डैफोडिल्स का. वो कहते हैं जब मैं इतने सारे डैफोडिल्स देखता हूँ तो वो उसकी खूबसूरती में ऐसे खो जाता है कि मैं वॉन्डर करना शुरू करता हूँ बिल्कुल बादल की तरह. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. और फिर वो कहता है कि मेरा हार्ट जो लीप अप कर जाता है when मैं जब बिहोल्ड करता हूँ, जब मैं देखता हूँ एक रेनबो एक स्काई के ऊपर, तो मेरा हार्ट जो है वो लीप अप करता है, वो डांस करता है. So was I when my life began.
सो इट इज नाउ आई एम अ मैन. और ये सो वॉज इट, ये उस वक्त से है जब से मेरी जिंदगी शुरू हुई है. सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, और क्या अब तक मैं एक इंसान ही हूँ. सो बी इट वेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ये तब भी होगा जब मैं ग्रो हो जाऊंगा, यानी कि आज मैं मैन हूँ यानी कि मैन बन गया हूँ तब भी ये है, जब मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी तब भी ये है, तब भी ये था रेनबो इन द स्काई. सो बी इट वेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई, और ये उस वक्त तक होगा जब तक मैं ग्रो ओल्ड हूँगा और लेट मी डाई.